एक सुंदर प्लांटेड एक्वेरियम में प्लांट्स वो सुंदरता को बढ़ाता है और वो प्लांटेड एक्वेरियम को जान देता है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक एक्वास्केप आइडिया है, हमने कोई पिक्चर देखा या कोई फोटो देखा या कोई किसी और का टैंक देखा या कोई इमेजिनेशन है हमारा, उसमें प्लांट्स कैसे सेलेक्ट करना है, हाउ टू सेलेक्ट प्लांट्स फॉर अ प्लांटेड एक्वेरियम। आप मानोगे नहीं, ये एक स्टडी है, एक साइंस है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें कुछ तीन चार मेथड, एक एक्वास्केप बनाते टाइम कौन सा प्लांट्स यूज करना चाहिए। अमानो साहब ने काफी सारे आइडिया शेयर किया है और भी प्रोफेशनल हॉबीज ने अपना अपना थॉट्स बोला है। मैं आज आपको अपना एक नजरिया बताने वाला हूं। और मैं ये सोचता हूं कि मेरा ये जो नजरिया है आपको फायदेमंद होगा और आप उस पे बिल्ड करके अपना सिलेक्शन, अपना टैंक ज्यादा सुंदर बना पाओगे। पहला ऑप्शन, एक्वास्केप ऐसा बनाओ क्योंकि मेरे को यही प्लांट्स चाहिए, ये सबसे कॉमन ऑप्शन है। ठीक है कि मेरे को मोंटे कार्लो पसंद है, मैंने किधर देखा है, बहुत सुंदर दिखता है, छोटा दिखता है, कारपेट आता है, तो उसके हिसाब से एक्वास्केप प्लान करो। मोंटे कार्लो के बारे में स्टडी करो, उसके साथ क्या जाएगा, कैसे दिखेगा, क्या स्टोन यूज करो। मोंटे कार्लो को सॉफ्ट वाटर चाहिए, तो अगर मैंने ऐसा स्टोन को यूज किया जो वाटर को हार्ड बनाएगा तो मोंटे कार्लो ग्रो नहीं होगा। होमवर्क, क्या लाइटिंग चाहिए, क्या फर्टिलाइजर चाहिए, होमवर्क करो, बाद में मोंटे कार्लो खरीदना और शुरू हो जाना। ऑप्शन वन। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हमारे पास पिक्चर्स है,
ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर या दूसरा कोई या दूसरा कोई, ये पिक्चर को हमें जिंदा करना है, रियलाइज करना है। और कभी कभी क्या होता है, कुदरती ये जो पिक्चर्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब जंगल का सीन या यू नो लैंडस्केप का सीन या कुछ और ये प्लांट्स हम एक्वेरियम में डाल नहीं सकते, क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स अलग है और टेरेस्ट्रियल अलग है, इतना तो जानते हो ना। तो कौन से ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स है जो मैच होता है, ठीक है, जो ये पिक्चर से वो कलर्स या वो शेप या वो एक लुक एंड फील, बुशीनेस, वो सब मैच होता है क्या, ये देखना है। ओके, इसके लिए प्लांट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्लांट्स के काफी सारे पिक्चर्स हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे पिक्चर्स एक्चुअली। और अगर आप एडीए के टैंक्स वगैरह लो तो उनके पिक्चर्स के साथ, एडीए साइट में वगैरह आप जाओगे तो पिक्चर के साथ प्लांट्स भी लिखा होता है। कि कौन सा प्लांट किधर है, कौन सा यूज किया, ये मैच, एक मेंटल मैच करना जरूरी कि भाई ये प्लांट बुशी होगा, ऐसे ग्रो होगा अंडर वाटर, पानी के अंदर ऐसे ग्रो होगा, ऐसे दिखेगा, ये कलर आएगा तो मेरा एक्वास्केप में ये सुंदर दिखेगा, ये सिचुएशन मैच होगा या कलर कॉम्बिनेशन मैच होगा। ये मैं बता रहा हूं आपको ये ध्यान में रखते हुए कि सॉइल बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छा है, CO2 है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, फर्टिलाइजर डेफिनेटली जरूरी है। अगर ये सब चीज नहीं है ना तो एक्वास्केप ट्राई मत करना। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जरूरी चीजें रख के आप वो एक्वास्केप प्लान करो, ट्राई करो, ताकि वो आपके इमेजिनेशन के हिसाब से सुंदर दिखे या ब्यूटीफुल दिखे। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे एक इमेजिनेशन को रियलाइज करने के लिए, इमेजिनेशन अपने मन में होता है, ये फोटो में नहीं, किसी और में नहीं, और मेरा ड्राइंग भी वैसा उतना अच्छा नहीं है कि मैं ड्रॉ करके समझा सकूं, दिखा सकूं, ये पूरे मेरे दिमाग में है, मेरे अंदर है। वो इमेजिनेशन पे खरा उतरना ज्यादा मुश्किल होता है, इसमें समय लगता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। एक्वास्केप पहले बनाओ,
वो पीसेस ऑफ वुड या स्टोन जो भी आप यूज करोगे वो प्रिसाइज लेके आओ, फिर उसमें देखो कि वही स्टाइल में किसी और ने बनाया है क्या, स्टडी करो कि उन्होंने क्या क्या प्लांट्स यूज किया है। और अगर आपको वो प्लांट्स आपके इमेजिनेशन के हिसाब से सूट होता है तो वो प्लांट के बारे में थोड़ा जानकारी लो, समझो कि मेरे पास ऐसा सिस्टम है, वो सिस्टम में वो प्लांट ग्रो होगा क्या। ये मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझाता हूं, दुनिया के कुछ वर्ल्ड्स बेस्ट एक्वास्केपर्स उनको 3-4-5 प्लांट के बारे में ही मालूम रहता है कभी कभी, बिकॉज उनके एक्वास्केप का जो वो प्लांटिंग है सिर्फ उसके बारे में डीप स्टडी करते हैं और उसके बारे में सब कुछ पता रहता है उनको, और उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, कितना CO2, कितना फर्टिलाइजर, कैसा लाइट, ये सब चीजें उनको पक्का मालूम रहता है होमवर्क, और तब जाके वो एक्वास्केप फिनिश करते हैं। प्रोफेशनल एक्वास्केपर्स के बारे में एक सीक्रेट है, लास्ट में बताता हूं, ठीक है, देखते रहना। अभी अगला ऑप्शन है कि भाई सिंपल जंगल बनाना है, ठीक है, बहुत जंगल टाइप चाहिए मुझे, देन उसके हिसाब से फर्न्स या अनुबियास या हैवी बुशी प्लांट्स, इजी है। ओके, मेरे को कुछ लैंडस्केप कारपेट लैंडस्केप बनाना है, इजी, कारपेट डाला थोड़ा, जहां पे स्टोन यूज किया तो स्टोन के बाजू में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स, बिकॉज वो नेचुरल लगने लगता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला टैंक में अगर आप देखोगे तो हेयर ग्रास का कारपेट है और साइड में थोड़ा ब्लिक्सा है, वो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए। ओके, अभी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा और कलरफुल अगर बनाना है तो पहले तो ये जानो ना कि कितने कलर्स के प्लांट्स आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलोइश, पिंक, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये सब कलर्स एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, और इसको हम मिक्स एंड मैच कैसे करें कि कौन सा प्लांट हमारे सिस्टम के साथ वर्क होगा पहला, और अगर ये प्लांट्स 6-8 प्लांट्स उसमें मेरे पास एक रेड है, एक ब्राउन है, 3-4 ग्रीन है, तो उनको मिक्स कैसे करो, मिड ग्राउंड में कौन सा डालू, बैकग्राउंड में कौन सा डालू, फोरग्राउंड में कौन सा डालू, या कार्पेट प्लांट या फोरग्राउंड प्लांट के साथ कौन सा मैं मिक्स एंड मैच करूं। मिड ग्राउंड में कौन सा कलर ज्यादा सुंदर दिखेगा, अगर पीछे बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन है तो मिड ग्राउंड में पिंकिश, ऑरेंजिश या लाइट ब्राउन सुंदर दिखेगा।
अगर बैकग्राउंड में लाल है तो मिड ग्राउंड में लाइट ग्रीन सुंदर दिखेगा। हाँ, कभी कभी डार्क ग्रीन है तो लाइट ग्रीन भी अच्छा दिखेगा। अभी ये टैंक में ही ले लो ना, हमने यहां पे रेडिश डाला है, यहां पे पिंकिश डाला है, यहां पे ब्राइट ग्रीन डाला है, उसके बाजू में थोड़ा डल ब्राउनिश रेड, तो ये जो ब्राइट ग्रीन वाला है उठ के दिखता है, वो फोकस जाता है उस पर, है कि नहीं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्लांट सिलेक्शन। ये ऐसे ही किसी ने बोला, इसने डाला, उसने डाला, मत करो। अपना एक्वास्केप को अपना बनाओ, उसके जो थॉट प्रोसेस है, इमेजिनेशन है, उसमें जो फाइनल या फाइन टचेस बोलते हैं ना, छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दो, आई फॉर डिटेल बोलते हैं। और आई फॉर डिटेल आता है कुदरत को देखने से, कुदरत में क्या हो रहा है वो देखने से। छोटे से छोटा चीज जब आप ऑब्जर्व करते हो वो टैंक में बहुत सुंदर दिखता है। अमानो साहब का एक सीक्रेट था, ग्लॉसोस्टिग्मा और रिसिया साथ में कारपेट बनाते थे। कैसे? ग्लॉसो को प्लांट किया, बीच बीच में रिसिया को स्टोन में बांध के वो बीच में रखते थे। वो क्या होता था, ग्लॉसो इज अ क्लाइंबर, मतलब ऊपर उठने का चांस ज्यादा है उसका, सीधा जाता है। रिसिया क्या है, वो बंच होके ऐसा एक कारपेट बनाता है और ग्लॉसो को नीचे रखेगा, उसको लगा के नीचे दबाएगा, तो आपको एक सुंदर कारपेट मिलेगा। समझ? तो ये कुदरती जानकारी, ये पढ़ने से, देखने से, सुनने से, हमारे जैसे वीडियोस देखने से, इसमें जाके आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप और भी इंप्रूव कर पाएंगे। प्लांट सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। प्लांट को पहले समझो, प्लांट्स के बारे में जानकारी लो, आखिरी में मेरा एक मेथड है, ओके? मैं क्यों करके समझाता हूं। अभी मेरा बिजनेस है ना, और मेरे को
प्लांट बेचने से मतलब है कि नहीं, सच बता रहा हूं। बिकॉज मेरे पास कुछ 50 वैरायटी के प्लांट्स हैं, और जब तक आप जैसे हॉबीस्ट वो प्लांट को देखेंगे नहीं या मैं उसे दिखाऊंगा नहीं आपको, आप लोगे कैसे? तो इसलिए मेरे टैंक्स में ज्यादातर 8-10 वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, ये सच बात है। तो मेरा इंटेंशन आपको प्लांट्स दिखाने का है, अलग अलग प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं आपको दिखाना है मेरे को, ये मेरा काम है। तो मैं प्लांट्स के हिसाब से एक्वास्केप बनाता हूं कि अगर मैंने एक्वास्केप ऐसे बनाया तो जो पब्लिक आएंगे गैलरी में उनको ये प्लांट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये टैंक में ले लो, बहुत लोगों ने ये टैंक का सेटअप देखा है, सब कुछ देखा है, इसमें मोंटे कार्लो है, लुडविगा सेनेग्लेंसिस, रोटाला नजेशान, रोटाला वालिची, रोटाला वियतनाम मिक्स किया है हमने कलर कॉम्बिनेशन के लिए। बीच में पोगोस्टमोन एरेक्टस लाइट ग्रीन कलर, उसके पीछे ओके रोटाला नैरो लीफ, और लास्ट कोने में पोगोस्टमोन स्टेलाटिस डेसेंट। ये जितनी भी प्लांट्स है ना वो कॉमन नहीं है हॉबी में, ज्यादातर लोग ये नाम जानते भी नहीं, और मेरा काम है उनको जानकारी देना। तो इसलिए मैं बहुत वैरायटीज का प्लांट यूज करता हूं अपने एक्वास्केप्स में। हां, जैसे आपने मेरा बल्बेटिस का टैंक देखा है वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरे को बहुत सुंदर दिखता है बल्बेटिस, तो मैं वो अपने हिसाब से मैंने किया। तो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए, ठीक है, प्लांट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपका जो सिस्टम है कौन सा प्लांट को सपोर्ट करेगा ये जानना जरूरी है। लो लाइट अगर है तो उसके हिसाब से प्लांट्स डालो, लाइट अच्छा है तो उसके हिसाब से प्लांट्स डालो, CO2 नहीं है तो उसके हिसाब से प्लांट्स डालो, CO2 है और लाइट भी अच्छा है तो उसके हिसाब से प्लांट्स डालो, ठीक है। तो प्लांट सेलेक्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक अच्छा फीलिंग, थोड़ा सा होमवर्क और जानकारी, यही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट याद है ना, मैंने क्या बोला था लास्ट में बताऊंगा आपको, कौन सा था? प्रोफेशनल एक्वास्केपर्स का सीक्रेट। ये जो प्रोफेशनल एक्वास्केप्स जो देखते हो आप लोग, फोटोज वगैरह आता है IIPLC, TGIAC और भी काफी सारे कॉम्पिटिशन है, वो जो टैंक बनाते हैं वो ज्यादातर 3 से 4 या 5 महीने ही रखते हैं। वो बनाएंगे हार्डस्केप, 1 महीना 2 महीने में हार्डस्केप बनाएंगे,
फिर प्लांट्स डालेंगे, फिर उसको ओवर फर्टिलाइजर ओवर CO2 देंगे ताकि जल्दी बढ़े, और बाद में मच्छी डालेंगे, फोटो लेंगे, फोटो अच्छा आ गया, कंपटीशन में भेज दिया, टैंक क्लोज, नया टैंक। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो कि वो लोग 2-3 साल रखते हैं, लेकिन आप और मैं 2-3 साल के लिए रखते हैं, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से प्लांट्स को प्लान करना जरूरी है। एक्वाटिक प्लांट्स का एक और सीक्रेट है, अमानो साहब ने कहा है कि हर साल, ओके, 365 डेज प्लांट्स को बदल दो, बिकॉज हमारे यहां जो न्यूट्रिशन लेवल्स होते हैं ना एक छोटे से टैंक में, वो लिमिटेड ही है, कुदरत के जैसा हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो अगर आप 6 महीने से 1 साल के अंदर वो प्लांट्स को निकाल के नया प्लांट्स डालेंगे तो आपका टैंक ज्यादा सुंदर और कंटिन्यूड वो ब्यूटी रहेगा। ये टिप्स है, सीक्रेट्स है, मैं सब बताता हूं, ओके? आप जानकारी लो और आपका टैंक मजेदार बनाओ। तो एज ऑलवेज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं अभी भी जानता हूं बहुत सारे हॉबीस्ट है जो फ्री में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सब्सक्राइब करो यार, आपका क्या जाता है, एक बटन ही तो क्लिक करना है, ओके? बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मेरे को पैसा वैसा नहीं दे रहे हो, एक बटन क्लिक कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? ये अच्छी बात है, मेरे को मोटिवेट करता है, ओके? ठीक है, सो थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर। प्लांट्स हमेशा क्वालिटी वाला ही लेना, प्लांट्स हमेशा गुड क्वालिटी वाला ही लेना। ये सस्ते के चक्कर में गंदे प्लांट्स लेके एक्वेरियम का धज्जा मत उड़ाना। गुड क्वालिटी प्लांट्स, गुड क्वालिटी एक्वेरियम, नो स्नेल्स, नो पेस्ट, ओके? बाय।